हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टमाटर सूप बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमने एक टमाटर ले लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। कट करके जूस बना लेंगे। हम ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको ग्राइंड कर लिया था टमाटर को, तो इसको हम छान लेंगे। लिया था, अब इसको हमने छान लिया है, इसका जूस निकाल लिया। एक चम्मच हम ग्लिसरीन डालेंगे इसमें। ये हमने चंदन पाउडर ले लिया है, चंदन पाउडर को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम आधा चम्मच चंदन पाउडर डालेंगे। ये हमने विटामिन ई का एक कैप्सूल ले लिया है, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारा सेकंड है सोपे से, इसको हम 70 ग्राम लेंगे, 70 ग्राम। ये हमने 70 ग्राम जो है तो बेस ले लिया, तो बेस को हम कट कर लेंगे। हम सब बेस को इस तरीके से छोटे से टुकड़े काट लिए हैं। ये हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। हम डबल बॉयलर कर लेंगे इसको, सोपेस को। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसको हम डबल बॉयलर करेंगे। ये हमारा मेल्ट हो चुका है सोपेस। ये हमारा चंदन और हमारा टमाटर का पेस्ट और इसमें हम विटामिन ई ऐड करे थे, ये तीनों चीज हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है। ये हम सोप मोल्ड में डाल देंगे। ये हम 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये हमारा टमाटर सूप बनके तैयार हो चुका है। हमने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था। देखिए हमारा टमाटर सूप बन गया है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा है।